नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक फिल्म का रिव्यू करूंगा। फिल्म का नाम है आई केयर ए लॉट। नेटफ्लिक्स पे आप इसको देख सकते हैं। डायरेक्टर हैं इसके जे ब्लैकसन। दोस्तों, इस फिल्म को देखने का जो मेरा सबसे बड़ा आकर्षण था वो थे पीटर डिंगले। पीटर डिंगले यहाँ एक महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे हैं, लेकिन जब मैंने इस फिल्म को देखा तो थोड़ी सी निराशा मुझे हुई, क्योंकि पीटर का किरदार इतना बड़ा मुझे यहाँ दिखा नहीं। ये फिल्म ज़्यादातर घूमती रहती है रसमंड पाइक के इर्द गिर्द, जो कि केंद्रीय किरदार में हैं, और उनके किरदार का नाम है मारला। मारला एक गार्जियनशिप प्रोग्राम से जुड़ी हुई हैं, बुजुर्गों की देखरेख का एक केंद्र वो चलाती हैं, लेकिन इसमें वो अलग तरह का ही एक घपला कर रही हैं। वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही हैं और नियमों में कुछ इधर उधर करके या नियमों में जो कमी है उसका फायदा वो अपने लिए उठा रही हैं, और इसके लिए कुछ उन्होंने एक नेक्सस भी बना रखा है। एक दिन वो एक बुजुर्ग महिला को अपने केंद्र में लेकर के आती हैं, लेकिन उस बुजुर्ग महिला के कुछ कनेक्शंस हैं और यहीं से उनकी दुश्वारियां शुरू हो जाती हैं, फिल्म भी आगे बढ़ती जाती है। दोस्तों, इस फिल्म की शुरुआत अच्छे ढंग से होती है, कहानी को अच्छे ढंग से बिल्ड किया गया है, और थोड़े मिनट के बाद आपको जरूर लगता है कि अब कुछ खास होने वाला है, कोई थ्रिल आने वाला है, कुछ एक्शन होने वाला है और कुछ सस्पेंस का भी खुलासा हमारे सामने होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही वो नीचे की तरफ गिरती चली जाती है। दोस्तों, यहाँ कुछ खुलासे भी हुए, लेकिन उस खुलासे को बिल्कुल ही सपाट ढंग से हमारे सामने बता दिया गया। दो कैरेक्टर आपस में बात कर रहे हैं और उसी में कई चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। इसमें ना कोई आपको कोई इन्वेस्टिगेशन दिखती है और ना ही इसमें कोई थ्रिल आपको महसूस होता है। दोस्तों, ये जो फिल्म है इसमें बहुत सारी इलॉजिकल चीज़ें भी आपको दिखती हैं, और जो फिल्म का क्लाइमैक्स है वो तो बेहद ही ख़राब है। एक अलग ही तरीके से इस फिल्म को ख़त्म किया गया, और जिस तरह से यहाँ एक पोएटिक जस्टिस जैसी कोई चीज़ दिखाने की कोशिश की गई वो बिल्कुल ही ख़राब थी। बहुत सारी चीज़ें आपको टाइप्ड और मसाला जैसी दिखती हैं। दोस्तों, यदि आप एक्टिंग की बात करें तो जो दो महत्वपूर्ण किरदार हैं या कलाकार हैं उन्होंने अपना काम ठीक ढंग से किया, लेकिन जिस तरह का रोल उनको मिला था उसे ही वो काम कर पाए। मतलब आप ये सोचें कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसी कोई चीज़ आपको दिखेगी तो ऐसी कोई चीज़ आपको दिखती नहीं है। टेक्निकल एस्पेक्ट पर भी ये फिल्म ठीक ठाक ही कही जाएगी। ये फिल्म है दोस्तों 2 घंटे की, बच्चों के लिए नहीं है। और दोस्तों, अगर आप रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को 2 रेटिंग देना पर्याप्त रहेगा 5 में से। तो दोस्तों, आई केयर ए लॉट के बारे में आज इतनी ही बात। आप मेरे वीडियोस को देखिए, लाइक कमेंट शेयर करिए, और पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।